अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अभी हम जो है अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वॉल क्लॉक की। तो जो वॉल क्लॉक आपको रिसीव होगा पार्सल, उसका बॉक्स है वो तकरीबन इस तरह से होगा, ठीक है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले इसमें एक कैटलॉग होगी जिसमें हमारे तमाम आर्टिकल्स जो है मेंशन है, उनकी प्राइसेस हैं, उनकी पिक्चर्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आपको वॉल क्लॉक किस तरह से रिसीव होगा, जिसमें सबसे पहले आपको ये मशीनरी रिसीव होगी। ये मशीनरी का अच्छा बहुत से लोग पूछते हैं कि इसको लगाना किस तरह से है। सो बेसिकली ये जहां पर आपने क्लॉक लगाना है बिल्कुल उसके मिड में इस तरह से ये मशीनरी को रख देना है, ठीक है। इसके अलावा ये डबल टेप इसमें मौजूद है और ये मेजरमेंट करने के लिए ये आपके पास इसको इसके साथ आपको रिसीव होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको रिसीव होंगे ये डिजिट्स पैकिंग में। अच्छा, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि इसकी जो नीडल्स हैं, जो सुई इसमें लगनी है, वो कहाँ पे होती है। सो बेसिकली इसमें एक ये इस तरह का होता है, ठीक है, फॉर्म, इसकी बैक साइड पे हमने लगाई होती है ताकि ये पार्सल जो आपको रिसीव हो ये टूटे ना, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, ये जी मैं आपको आज ये जो क्लॉक है 103 इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होगी वो बता रहा हूँ। कोई भी क्लॉक को उसकी इंस्टॉलेशन सेम ही होती है। मॉडल इसलिए बताया आपको ताकि ये कंफर्म हो जाए कि कौन सा कौन है। ये आपने सबसे पहले इसका मेन मिड जो है ना, ये गोल्ड की इसके ऊपर रखनी है और ये दूसरा इसका पैमाना इसके ऊपर रखना है। इसको आपने लॉक कर देना है। एक फीट का मतलब ये होता है कि ये 2 फीट हो जाता है, 1 फीट इस तरफ, 1 फीट इस तरफ, 1 फीट ऊपर, 1 नीचे। ये टोटल जो है ना ये 2 फीट हो जाता है। इस पे ये क्रॉस का निशान आप लगा ले। ये 3 नंबर पे मैंने लगाया है। इसको ऐसे ही आप घुमाएंगे, इसको 9 पे ले जाए। दूसरा निशान इसका हम 9 यानी 9 नंबर पे लगाएंगे। तीसरा निशान जी ये, उसके बाद हम ना डबल टेप जो है ना उसको तमाम डिजिट की बैक साइड पे लगाएंगे। इसका दिखाते हैं। सबसे पहले जो है ना मशीन की 60 मिनट वाली सुई जो होती है ना वो लगाएंगे। इसके दोनों तरफ आप नाखून रख के लगाएंगे तो ये इजीली लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये मिनट वाली 1 मिनट की जो होती है, 1 मिनट 2 मिनट, अच्छा। उसके बाद सेकंड वाली लगाएंगे, अच्छा जी। ये हम इसको सेंटर में लगा देंगे नील्स के साथ, इसका बैलेंस जो है बाद में कर लेंगे। तो ये आपके पास जो है ना ये डिजिट के बैक साइड पे हमने टेप लगा ली, जहां से आपको इजी लगे आप इसको शुरू कर सकते हैं। ये 6 वाला जो है ना डिजिट मैं पहले ये लगा रहा हूँ, 6 नंबर डबल टेप के साथ। इसके बाद 9 नंबर वाला लगा देते हैं, 9 नंबर वाला ये इजी से लग जाते हैं। 3 नंबर लगा देंगे उसके बाद, हम 12 नंबर लगा लेंगे। 12 नंबर जो है ना ये सवाल है, कोई मसला नहीं है इसमें, इसमें मशीन में सेल डालेंगे तो चल जाएगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।